हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। सो वेस्ट बंगाल सेट पेपर वन प्रिपरेशन के लिए आज हम डिस्कस करेंगे रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता जिसमें रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग के मेथड्स में से क्वेश्चंस ना पूछे जाएं। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस सेशन को ध्यान से देखिएगा, एंड कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक मुझसे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन प्रिपरेशन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसमें आप आसानी से 75 प्लस स्कोर कर सकते हो अगर आप एक स्मार्ट प्रिपरेशन को फॉलो करते हो। एंड इसके लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है, जो कि एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल और लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। इसमें हम कंप्लीट पेपर वन के फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स आपको देते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में। यहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की श्योरिटी देती हूँ। साथ ही फुल सिलेबस नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे, जिसको आसानी से अपने मोबाइल फोन में भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में आपको 60 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे दोनों लैंग्वेजेस में, एंड इसमें से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। एंड ये मॉक टेस्ट अगर आप लोग अटेम्प्ट कर लेते हो तो डेफिनेटली आप लोग एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड साथ ही 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी, ताकि रिविजन के दौरान भी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। ये सभी क्वेश्चन रिविजन में आपको बहुत हेल्प करते हैं। सो गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करके आज ही इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 2000 रुपए। एग्जाम तक ये फीस वैलिड रहेगी, ये कोर्स वैलिड रहेगा। एंड इसके फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। कोर्स के ओवरव्यू के बाद कंटेंट पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हो सिलेबस मिल जाएगा, सेपरेटली मेरे फोल्डर्स मिल जाएंगे, एंड यहाँ पर यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं जहां पर आपको थियरी लेक्चर्स, एमसीक्यू लेक्चर्स, मॉक टेस्ट और नोट्स भी मिल जाते हैं। ये एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स है, डेफिनेटली 6 महीने के अंदर अंदर आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने में यही कोर्स मदद करेगा। सो गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके आप इस कोर्स की पूरी जानकारी जरूर ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, थीसिस इज ऑल्सो नोन एज। सो रिसर्च की जब भी हम लोग बात करते हैं तो रिसर्च में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है थीसिस। तो इसका दूसरा नाम क्या होता है? ऑप्शंस आर रिसर्च रिपोर्ट, मोनोग्राफ, डिसर्टेशन एंड बुक। ठीक है, तो रिसर्च रिपोर्ट को बोला जाता है अनुसंधान रिपोर्ट, प्रबंधन, निबंध और पुस्तक। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज डिसर्टेशन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए थीसिस या डिसर्टेशन क्या होता है। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक कैंडिडेट सबमिट करवाता है, ठीक है, जिसमें क्या लिखा होता है, जिसमें कि किसी पर्सन की एकेडमिक डिग्री या फिर उनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एंड ये होता है रिसर्च एंड फाइंडिंग्स में ऐड, ठीक है। इसके अलावा जो थीसिस होती हैं उसमें हम लोग अपने आर्ग्यूमेंट्स, अपने ओपिनियंस एंड जो पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हमारे पॉइंट्स होते हैं उन सब चीज़ों को ऐड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ई जर्नल्स। सो दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू डिजिटल मेथड्स, ठीक है, यानी कि जितने भी डिजिटल तरीके होते हैं उसके थ्रू उनको वितरित किया जाता है लोगों के बीच में। दूसरा ऑप्शन है दे ऑल्सो हैव एडिटर्स एंड एडिटोरियल्स बोर्ड्स। तो जितने भी संपादक और संपादकीय बोर्ड होते हैं वो सब इसमें ऐड किए जाते हैं। तीसरा होता है दे आर पब्लिकेशंस ऑफ सीरियल नेचर। नेक्स्ट है दे आर ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ई जर्नल्स होते क्या हैं। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये पीरियोडिकल पब्लिकेशंस होती हैं विच इज़ पब्लिश्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, जैसे ईमेल होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हम लोग मैसेजेस करते हैं, ठीक है। वैसे ही ई जर्नल के केस में हम क्या करते हैं, पब्लिकेशंस को पब्लिश करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। जनरली इसमें इंटरनेट यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड जो इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स होते हैं इसकी बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होती हैं ओवर ट्रेडिशनल प्रिंटेड जर्नल्स। तो इसके एडवांटेजेस क्या होती हैं, वो ये होती हैं कि इसको घर पे बैठ के हम लोग कहीं से भी सबमिट कर सकते हैं, हमें ऑफिस में जाकर सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं होती है, या फिर जो हमारे गाइड है डायरेक्टली उनके पास जाकर सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ दे आर ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके अलावा यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनके अलावा और भी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ई जर्नल से रिलेटेड। दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं
इसमें पहला आता है कि ये हमें टाइमली एक्सेस प्रोवाइड कराता है। एंड स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा गया था नॉट ट्रू, यानी कि वी हैव टू फाइंड द फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, हमें इंटरनेट चार्जेस एंड ये सब चीज़ें अप्लाई करनी पड़ती हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें हम लोग जितने भी हमारे नोट्स हैं, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिजिटल मेथड्स के थ्रू। ठीक है, इसमें एडिटर्स भी होते हैं एंड एडिटोरियल बोर्ड्स भी होते हैं, एंड सीरियल वे में इसको हम लोग पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें टाइमली एक्सेस प्रोवाइड करवाते हैं ये। ठीक है, एंड ये जो सर्चिंग कैपेबिलिटीज़ हैं उसको भी सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये फिजिकल स्टोरेज स्पेस को भी सेव करते हैं। अब जैसे हमारे पास फाइल्स हैं, हमारी रिपोर्ट्स हैं, अगर हम लोग उनको मतलब हार्ड कॉपी रखेंगे तो उनको रखने के लिए भी हमें कोई सेपरेट जगह चाहिए। ठीक है, तो ये फिजिकल स्टोरेज स्पेस को भी कवर करते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन को भी ऐड कर सकते हैं। मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन का मतलब होता है इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ये सब चीज़ों के थ्रू हम अच्छे से अपने जर्नल को जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई फिजिकल प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एंड ये जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, यानी कि इंटरनेट की हेल्प से ही हर एक चीज़ को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट इज फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड। तो जितने भी रिपोर्टिंग के फॉर्मेट्स होते हैं, यानी कि रिपोर्टिंग के प्रारूप होते हैं, उसको फॉर्मली हम कैसे जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। पहला है डॉक्टरल लेवल थीसिस, कॉन्फ्रेंस ऑफ रिसर्चर्स, वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स, सिंपोजिया। तो ये जितनी भी टर्म्स है ना, इसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि कॉन्फ्रेंस क्या होता है, वर्कशॉप, सेमिनार एंड सिंपोजिया, ये चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को समझाती हूँ इन सब के मीनिंग। तो अगर हम लोग बात करें सेमिनार्स की, ठीक है, तो सबसे पहले सेमिनार्स की बात करते हैं। तो सेमिनार और वर्कशॉप, ये दोनों जो है ये शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं। ऑप्शन नंबर थ्री में ये राइट आंसर नहीं है, अभी मैं बताती हूँ, सिर्फ मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो सेमिनार्स और वर्कशॉप्स शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, जिनको डिज़ाइन किया जाता है टू हेल्प वर्किंग पीपल एनहांस देयर स्किल्स। ठीक है, अब जैसे मेरी कोई स्किल है, मैं उसको और अच्छे से सीखना चाहती हूँ, तो डिफरेंट डिफरेंट वर्कशॉप्स और सेमिनार्स को हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेमिनार जो होते हैं ये बेसिकली लेक्चर ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, एंड इसमें जो अगर बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग अगर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो हम लोग सेमिनार्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड वर्कशॉप्स क्या होते हैं, इसमें हम लोग ज़्यादातर डेमोन्स्ट्रेशन को देखते हैं, यानी कि सेमिनार में सिर्फ लेक्चर के थ्रू हमें चीज़ों को समझाया जाता है। वर्कशॉप में क्या होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं हैंड ऑन प्रैक्टिस। ठीक है, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू समझाई जाती हैं, एंड इसको तब यूज़ किया जाता है अगर कम पार्टिसिपेंट्स होंगे। ठीक है, तो इसको आपने ऐसे याद रखना है कि जहाँ पे कम लोग होंगे वहीं पे हम लोगों को काम जो है वो बहुत अच्छे से सिखाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा नेक्स्ट आता है सिंपोजिया, या फिर इसको हम सिंपोजियम बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपोजियम इज़ नथिंग बट इट इज़ अ मीटिंग। ठीक है, जिसमें कि एक्सपर्ट्स आते हैं एंड वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, एंड इसको हम लोग स्मॉल कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, इसको हम लोग स्मॉल कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री का, डॉक्टरल लेवल थीसिस, दैट इज ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्शनल सप्लीमेंट ऑफ अ रिसर्च पेपर। तो रिसर्च पेपर में ऑप्शनल सप्लीमेंट क्या होता है, यानी कि जिस चीज़ को ऐड करना ज़रूरी नहीं है, करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। तो ऑप्शंस आर फुटनोट, अपेंडिक्स, ग्लॉसरी, बिब्लियोग्राफी। तो ये भी कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर टू, दैट इज अपेंडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन अकेडमिशियंस आर कॉल्ड टू डिलीवर लेक्चर और प्रेजेंटेशन टू बी ऑर्डर टू एन ऑडियंस ऑन सर्टेन टॉपिक और अ सेट ऑफ टॉपिक ऑफ एजुकेशनल नेचर, दैट इज कॉल्ड। यानी कि अगर हम लोग किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं लेक्चर डिलीवर करने के लिए, ठीक है, किस पे लेक्चर डिलीवर करना है, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे लेक्चर डिलीवर करना है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार, वर्कशॉप और सिंपोजियम।
तो इनके मीनिंग मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, इजीली आप लोग आंसर कर सकते हो. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर टू, दैट इज सेमिनार. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ थीसिस फिगर्स एंड टेबल्स आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग. तो थीसिस में हम लोग जैसे पूरी रिपोर्ट बनाते हैं, इसमें हम लोग फिगर्स, डायग्राम्स, टेबल्स, ये सब चीज़ें ऐड करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है. ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अपेंडिक्स, अ सेपरेट चैप्टर, द कंक्लूडिंग चैप्टर, द टेक्स्ट इटसेल्फ. ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है. इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर वन, दैट इज अपेंडिक्स. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है. तो जहाँ पे भी अपेंडिक्स की बात की जाती है, यानी कि जो थीसिस में हम लोग फिगर और टेबल ऐड करते हैं, वो होता है ये. आप लोगों ने कभी भी किसी बुक में देखा होगा, कोई भी आप लोग बुक देख लीजिए किसी भी सब्जेक्ट की, वहाँ पे अपेंडिक्स का एक अलग से सेक्शन होता है, एंड उसमें जितने भी फिगर्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, उनका जो है उनको इंक्लूड किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कोर एलिमेंट्स ऑफ अ डिसर्टेशन आर. तो डिसर्टेशन मतलब थीसिस, तो इसके कोर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं. ठीक है, पहला है इंट्रोडक्शन, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस. तो यहाँ पे सिंपल यही पूछा गया है कि डिसर्टेशन में क्या क्या चीज़ें मेनली हमें ऐड करनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव समरी, लिटरेचर रिव्यू, डेटा गैदर्ड, कंक्लूजन्स एंड बिब्लियोग्राफी. नेक्स्ट है रिसर्च प्लान, रिसर्च डेटा, एनालिसिस एंड रेफरेंस. ठीक है, तो यहाँ पे ना सीक्वेंस बताया गया है, इससे इन सीक्वेंसेस को जो है वो सेपरेट किया गया है. ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मैथडोलॉजी, यानी कि रिसर्च के लिए हमने कौन सी मेथड को यूज़ किया है. एंड नेक्स्ट है रिजल्ट, डिस्कशन एंड कंक्लूजन. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेवन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वन, दैट इज सबसे पहले थीसिस में हम लिखते हैं अपने टॉपिक की इंट्रोडक्शन, उसके बाद लिखते हैं डेटा कलेक्शन की, कहाँ से हमने डेटा को कलेक्ट किया, क्या क्या चीज़ें हमने यूज़ की. उसके बाद हम लिखते हैं डेटा एनालिसिस की, कैसे हमने डेटा को एनालाइज किया, कि क्या ये इस पर्टिकुलर चीज़ से रेलिवेंट है या नहीं है. उसके बाद हम ऐड करते हैं कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रिटन फॉर्मेट ऑफ अ रिसर्च वर्क इज नोन एज. जो भी हम लोग रिसर्च करते हैं, जैसे यूजीसी नेट एग्जाम हम लोग दे रहे हैं, इसके बाद हम लोग पीएचडी करेंगे, या फिर वैसे ही कोई स्टूडेंट्स पीएचडी करते हैं तो रिसर्च करनी होती है. ठीक है, तो उसमें जो भी रिटन फॉर्मेट होते हैं उसको क्या बोला जाता है. पहला है रिसर्च पेपर, मोनोग्राफ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड लास्ट इज रिसर्च रिपोर्ट. ठीक है, तो इसको डायरेक्टली बोला जाता है रिसर्च रिपोर्ट. तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होते हैं रिसर्च पेपर एंड रिसर्च रिपोर्ट में. ठीक है, तो इसका आंसर है रिसर्च रिपोर्ट. तो ये क्या होता है, ये एक वेल क्राफ्टेड डॉक्यूमेंट होता है. ठीक है, जो कि हमारे रिसर्च का पूरा प्रोसेस, डेटा, हमारा फाइंडिंग्स, या फिर जो हमारी सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन होती है पूरे प्रोसेस में, पूरे रिसर्च में, उसको हम लोग रिसर्च रिपोर्ट में ऐड करते हैं. ठीक है, ये क्या है, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जो कि फर्स्ट हैंड अकाउंट, एक रिसर्च प्रोसेस में फर्स्ट हैंड अकाउंट की तरह काम करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ लॉन्ग एसे ऑन अ सिंगल पीस ऑफ वर्क इज कॉल्ड. यानी कि एक सिंगल पीस ऑफ वर्क, एक छोटा सा काम है, एक काम है जिस पे हमने लॉन्ग एसे लिख दिया है रिसर्च के लिए. ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, रिसर्च रिपोर्ट, मोनोग्राफ, डिजर्टेशन और बुक. तो बुक तो देखो ये नहीं होती है, आप सभी को पता है बुक क्या होती है. डिजर्टेशन हमने डिस्कस किया, रिसर्च रिपोर्ट भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो इसका राइट आंसर है मोनोग्राफ. ठीक है, तो कहीं पे भी अगर आप लोगों को लॉन्ग एसे या फिर लॉन्ग सेक्शन की बात करते हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द मोनोग्राफ्स. ठीक है, सो रिसर्च मोनोग्राफ्स जो होते हैं, ये सेपरेटली पब्लिश्ड रिपोर्ट्स होती हैं ऑन ओरिजिनल रिसर्च दैट आर टू लॉन्ग, टू स्पेशलाइज्ड और अदरवाइज अनसुटेबल फॉर पब्लिकेशन. ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें हर एक चीज़ को यहाँ पे जो है वो प्रोजेक्ट किया जाता है. ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर टू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन रिसर्च मैथडोलॉजी इंटरप्रटेशन इज द सर्च ऑफ. ठीक है, तो रिसर्च में इंटरप्रटेशन जो है उसका क्या मतलब होता है. पहला ऑप्शन है स्टेटिस्टिकल डेटा, रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च फाइंडिंग्स एंड रिसर्च प्लान. ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री, दैट इज रिसर्च फाइंडिंग्स. तो किसी भी हमारे रिसर्च में, ठीक है, जो प्रिंसिपल आउटकम होते हैं किसी रिसर्च प्रोजेक्ट के, उसको बोला जाता है रिसर्च फाइंडिंग्स.
ठीक है, ये क्या करते हैं, ये प्रोजेक्ट करते हैं कुछ टाइप के सजेशंस को, एंड ये रिवील करते हैं हमारे प्रोजेक्ट को, ठीक है, ये इंडिकेट करते हैं हमारे प्रोजेक्ट को। तो आपने बस यही याद रखना है कि रिसर्च फाइंडिंग्स में हमारे जितने भी आउटकम्स हैं, यानी कि जितने भी आउटपुट्स हैं, उनका सजेशन, उनको रिवील करना एंड उनको इंडिकेट करना, ये सब काम इसके अंडर किया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। आप लोग कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो कि आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है, एंड इन 10 क्वेश्चंस में अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे हमें बता सकते हो। पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 प्रिपरेशन पर भी फोकस कीजिएगा। एग्जाम ओरिएंटेड वे में कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स और एमसीक्यूज मिलेंगे। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम देते हैं, जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये स्टडी मटेरियल ना सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने में आपको मदद करता है, बल्कि इसके बाद इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। सो सब्जेक्ट्स की लिस्ट आपके सामने है, इसमें से अपना पेपर 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए एंड गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप इसको आज ही ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 1280 रुपये, एंड मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि जब तक एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो जाता, तब तक आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।